दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खुद का कस्टमर आईडी कैसे प्राप्त करेंगे अगर आपका पास भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि दोस्तों ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर करना, लेकिन दोस्तों आपको आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर करने के लिए आपको कस्टमर आईडी का जरूरत पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपका पास आपका जो खुद का कस्टमर आईडी नहीं है और आप चाहते हैं कि कस्टमर आईडी प्राप्त करना, लेकिन आपको बिल्कुल भी पता नहीं कि दोस्तों आप ऑनलाइन से भी आप घर पे बैठे मोबाइल फोन से आप दोस्तों आपका जो कस्टमर आईडी को आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको ब्रांच विजिट करना होगा, नहीं तो आपको कस्टमर केयर से आपको कॉल करके बातचीत करना होगा। ये तरीका दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं अलग प्रोसेस से करके दिखाऊंगा जो कि दोस्तों आप तुरंत ही 2 मिनट में चुटकियों में दोस्तों आपका जो कस्टमर आईडी प्राप्त कर सकते हो, वो भी दोस्तों आपका मोबाइल फोन से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसलिए आपको सबसे पहले करना कि अपना मोबाइल पे जीमेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मेरा मोबाइल पे जीमेल एप्लीकेशन को मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद अभी यहाँ पे आपको करने के लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ देख सकते हो दोस्तों, आपको थ्री डॉट देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे थ्री डॉट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। थ्री डॉट वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा पास्ट में दोस्तों आपका जो जीमेल आईडी देखने को मिलेगा और उसका सीधा छोटा सा एरो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल पे जितने भी दोस्तों आपने जीमेल आईडी क्रिएट करके रखा होगा वो सारा का सारा जीमेल आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे दोस्तों आपको वही वाला जीमेल आईडी पर आपको क्लिक करना होगा जो जीमेल आईडी के दोस्तों आपका जो इंडिया पोस्ट पेड बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, ठीक है। आपको वही वाला जीमेल आईडी को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद आपको करना कि यहाँ पे जीमेल एप्लीकेशन का होम ऑप्शन पे आपको चले आना। आने के बाद अभी यहाँ पे दोस्तों आपको करना के सर्च बार में आपको लिखना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का शॉर्ट कोड आईपीपीबी, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे दोस्तों आपको करना के आपका जो मंथली का ई स्टेटमेंट दोस्तों आपको ढूंढना होगा, ठीक है। और जो दोस्तों आपका जो मंथली का ई स्टेटमेंट किस तरह दोस्तों आपको लिखा हो रहेगा यहाँ पे देख लेना, आईपीपीबी ई स्टेटमेंट करके लिखा हो रहेगा। अगर दोस्तों आपका मोबाइल पे यहाँ पे दोस्तों आपका जो ई स्टेटमेंट फाइल दोस्तों शो नहीं हो रहा है, पीडीएफ फाइल दोस्तों शो नहीं हो रहा है, तो आपको करना के निस्तर स्क्रॉल करते आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है, जहाँ पे भी आईपीपीबी ई स्टेटमेंट करके लिखा हो रहेगा आपको उसी फाइल पीडीएफ पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे में दोस्तों पूरा पास्ट में ये जो आईपीपीबी ई स्टेटमेंट का फाइल दोस्तों पीडीएफ फाइल दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, आपको भी दोस्तों इसी तरह लिखा हुआ रहेगा जहाँ पे वहाँ पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद इस तरह आपका इंटरफेस आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको करने के थोड़ा सा इस तरह स्क्रॉल करते आना है, आपको दोस्तों एक पीडीएफ फाइल देखने को मिलता होगा, ठीक है। पूरा लास्ट में दोस्तों स्क्रॉल करते आना है, यहाँ पे देख सकते हो आपका जो पीडीएफ फाइल दोस्तों यहाँ पे रहेगा। इसको आपको करना कि अपना मोबाइल पे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आपको डाउनलोड करने के लिए करना कि यहाँ पे आपको एरो वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपका जो पीडीएफ फाइल डाउनलोड सक्सेसफुल हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद अभी वो जो पीडीएफ फाइल को आपको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद अभी दोस्तों ये जो पीडीएफ फाइल डायरेक्टली ओपन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको पासवर्ड डालना होगा। अभी दोस्तों वो जो पासवर्ड क्या है वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो पासवर्ड दोस्तों आपका जो नेम और दोस्तों आपका जो डेट ऑफ बर्थ को मिला के दोस्तों पासवर्ड बना हुआ रहेगा, 10 अंक का पासवर्ड, ठीक है। जैसा कि मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मान लो कि दोस्तों आपका नेम महेश है, ठीक है, और उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ 12/4/2002, यहाँ पे दोस्तों देख लेना, ठीक है। और इसी कंडीशन में दोस्तों आपका जो पासवर्ड क्या होगा, आपका जो नेम का पास्ट 4 अंक का कैपिटल लेटर होगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो MAHE, और उसके बाद स्पेस नहीं देना है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका जो डेट और उसके बाद मंथ और उसके बाद दोस्तों पूरा लास्ट में आपका जो ईयर, ठीक है, पूरा नहीं डाल देना है। ओनली दोस्तों आपका जो लास्ट 2 अंक का नंबर दोस्तों आपको डालना पड़ेगा जो कि ईयर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, मैंने मार्क करके रखा है। आपको इस तरफ दोस्तों आपको जो पासवर्ड आपको भरना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका जो पीडीएफ फाइल ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देख लेना, ठीक है, आपको पूरा आपका जो नेम और दोस्तों डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है, ठीक है, इस तरफ दोस्तों आपको डालना है, ठीक है। और लास्ट आपका जो ईयर का 2 अंक का नंबर दोस्तों यहाँ पे जोड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आपका जो 10 अंक का पासवर्ड दोस्तों बन के तैयार सक्सेसफुल हो जाएगा, और उसके बाद भी दोस्तों आपका जो पीडीएफ फाइल ओपन होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मेरे जो नेम का फर्स्ट 4 अंक का कैपिटल में दोस्तों लेटर में लिख देता हूँ, और दोस्तों मेरा जो डेट ऑफ बर्थ डाल के दोस्तों मेरे जो पीडीएफ फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, और अभी आपका सामने यहाँ पे ओपन वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मेरे जो पीडीएफ फाइल ओपन सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। मतलब दोस्तों मेरे जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मंथली का ई स्टेटमेंट पीडीएफ फाइल दोस्तों ओपन सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अभी इसको दोस्तों आपको करने के ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जूम कर लेना है, ठीक है। जूम करने के बाद यहाँ पे दोस्तों देख लेना आपका सारा डिटेल्स, आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सारा डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि अकाउंट नंबर और उसके बाद आईएफएससी कोड और उसके बाद आपका जो खुद का कस्टमर आईडी दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा,
और उसके बाद पूरा लास्ट में MICR नंबर भी दोस्त आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी दोस्त आपका जो कस्टमर आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा, ये जो कस्टमर आईडी को आप दोस्तों जहां पर भी आप इस्तेमाल करना चाहते वहां पे आप प्रॉपर तरीके से आप इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। यही दोस्तों आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कस्टमर आईडी, ठीक है, इसको आपको नोट करके रखना है। तो दोस्तों आप इस तरफ घर पे बैठे ऑनलाइन से मोबाइल फोन से दोस्तों चुटकियों में आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कस्टमर आईडी को दोस्तों आप प्राप्त कर सकते हो, वो भी दोस्तों तुरंत ही, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद और मैंने जैसा तरीका बताया ऐसा तरीका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद आपने भी दोस्तों आपका जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कस्टमर आईडी दोस्तों अपने प्राप्त कर लिया होगा। अगर दोस्तों फिर भी आपका मन में कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मेरा वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है, प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।